एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने डार्क सर्कल्स को, जो आपके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, उन्हें हम किस तरह से रिमूव करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले चाहिए ग्रीन टी। तो मैंने ये टेटले की ग्रीन टी ली है। आप चाहे तो कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। तो मैंने ये दो ग्रीन टी के पैक लिए हैं। तो इस ये दो बाउल लिए हैं मैंने, और एक में पानी है और एक खाली है। तो मैं पहले ये ग्रीन टी को इस तरह से मैं निकालूंगी ग्रीन टी को, इसके पाउच को इस तरह से। कोई भी ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ली है आप भी वही लीजिए। कोई भी ग्रीन टी हो आप ले सकते हैं उसे। और हमें ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, आप नॉर्मल वाटर लीजिए और उसमें इसे सोक करना है हमें। तो मैंने इसको डाल दिया इसमें, अच्छी तरह से इसे सोक कर लेना है। और सोक करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे इसमें खाली बाउल में डालना है और इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है हमें, जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से हमें ठंडा करना है, बाद में इसे हम अप्लाई करेंगे। मैं इसे फ्रिज में लगा रही हूँ अच्छे से ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक इसे हमें बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो ठंडा हो जाने के बाद अब मैं इन टी बैग्स को अपनी आईज़ पे प्लेस करूँगी, इन्हें अच्छे से सेट कर दूँगी अपनी आईज़ पे। काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है आपकी आँखों को, और जितनी भी जिनको जलन पड़ती है उनकी आँखों के अराउंड जितने भी आपके जहाँ डार्क सर्कल होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये रिमूव करने में हेल्प करता है। और जितने भी आपको जिनको जलन पड़ती है या रेड रेड हो जाती हैं आपकी आँखें, तो काफ़ी ज़्यादा उस पर असर करता है ये। और जब आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी ठंडा ठंडा एहसास होता है, काफ़ी ठंडा ठंडा आपको लगता है। तो ये आपकी आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे अप्लाई करें और 10 से 20 मिनट तक आप इसे छोड़ दें, इसी तरह लगाए रखें, तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा असर दिखेगा आपको। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा असरदार है। तो ये जो ग्रीन टी बैग्स हैं, आप इन्हें यूज़ एंड थ्रो ना करें। आप एक बार अगर आपने इस्तेमाल किया हो इसे, तो आप दोबारा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में दोबारा भिगो के इसे रेफ्रिजरेटर में लगा के इसे ठंडा करके आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़रूर असर दिखेगा, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगेगा कि पहले आपकी स्किन किस तरह की थी, पहले आपके डार्क सर्कल ज़्यादा थे और धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।